नमस्ते, मयूर रत्नकांत। गीता रत्न में हम देखेंगे अध्याय 12 यानी भक्ति योग। ब्रह्म प्राप्ति के लिए चार योग साधन है, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ज्ञान योग थोड़ा सा कठिन है। ध्यान योग संसार में व्यस्त मनुष्य को कठिन लगता है। कर्म योग में ये तो अच्छा है, इसमें निष्काम कर्म अच्छा माना जाता है। ज्ञान और ध्यान से भी कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, उसमें जल्द ही शांति प्राप्त होती है। इसलिए मन और बुद्धि पर काबू पाना जरूरी है और सब कर्म फल त्यागने के बाद ब्रह्म प्राप्ति होती है। जिसने शरीर, मन और इंद्रियों पर काबू पाया है, जिसकी ईश्वर पर श्रद्धा है, ऐसा भक्त भगवान को प्यारा लगता है। और उसके लक्षण इस तरह से है, प्राणियों का कभी द्वेष न करना, निस्वार्थ रहना, सब पर प्यार करने वाला, दयावान, गर्व अहंकार नहीं, सुख दुख में भी विचलित न होने वाला, क्षमावान, हमेशा खुश और तृप्त रहने वाला, श्रद्धावान, मन और बुद्धि ईश्वर को अर्पण करने वाला, वो हमेशा संत सज्जन और सद्मुख के साथ ही रहता है, ईश्वर का हमेशा ध्यान करता है और ईश्वर को मिलने की हमेशा इच्छा रखता है। ये सरल तंत्र श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया। बाकी की जानकारी हम अगले पड़ाव में देख लेंगे। धन्यवाद।